एक थोड़ा सा प्राउड सी फीलिंग हो रही है। ऐसा एरिया जहाँ पर पानी नहीं है, रूरल एरिया में काम होना चाहिए। जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है, बहुत ही रेसेशन पीरियड चल रहा है, योजना पे काम भी किया जाए। इंदौर में वोटिंग चल रही है और मेरे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आपने देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें सब लोग यहाँ पर हैं, अगर आप बात कर सकें इस बार आपने वोट क्या कास्ट किया है, क्या कहेंगे? नमस्ते, पहले तो मेरा नाम आरुषि है और बहुत ही जिम्मेदारी थोड़ा सा फील हो रही है कि आज पहली बार वोट दिया है अपने इंडिया के लिए। थोड़ा प्राउड सा फील हो रहा है कि हाँ, हमारा भी कुछ हाथ रहा है इस देश के लिए, भले ही छोटा सा था हाथ, पर फिर भी एक थोड़ा सा प्राउड सी फीलिंग हो रही है कि एक वोट किस वजह से दिया, क्या कारण है, किस वोट यही कि मतलब देश हमारा ही है तो फिर हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें हमारा लीडर चुनना पड़ेगा कि हमें किसको लीडर बनाना है जो हमारा देश संभाल ले। आखिर ये हमारी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए देना बहुत जरूरी है वोट वगैरह। तो इंदौर में जो परिस्थितियां बनी उसमें नोटा भी ऑप्शन आ गया है। हाँ। और नोटा को लेकर के अपील की गई, क्या लगता है, क्या ये सब चीजें चल रही ठीक है या कुछ और होना चाहिए था? नहीं, ये सब नहीं चीजें वगैरह ये सब तो नहीं होनी चाहिए थी। एक यूथ की क्या डिमांड होगी सरकार से? यूथ की तो एसएच तो ठीक ही है, सब बढ़िया ही चल रहा है, बट जॉब को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, जॉब को लेकर के जैसे रेसेशन वगैरह भी काफी चल रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें वगैरह आ रही है यूथ को। जैसे अभी तो मैं खैर सेकंड ईयर में हूँ, बीटेक कर रही हूँ, तो मैं जैसे अपने सीनियर्स वगैरह को देखती हूँ तो वो लोग यही बताते हैं कि नहीं, हमारा जॉब्स वगैरह नहीं लग रही है, बहुत ही रेसेशन पीरियड चल रहा है ये, और अभी देखो फ्यूचर में क्या होता है, हमें भी टेंशन है। खैर, मतलब चिंता बनी हुई है। आप क्या कहेंगे, क्या सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, जो सरकार बने वो क्या करे? सरकार बने शिक्षा पे ध्यान दे, जॉबों पे ध्यान दे, क्योंकि अधिकतर जॉब नहीं मिलते हैं जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती है। इसी के कारण वही जॉब बने रहे, शिक्षा पे ध्यान दे और स्वच्छता पे तो ध्यान दे ही रहे इंदौर पे तो, और ज्यादा तो कुछ नहीं। और भी अगर कुछ है, जैसे कि बहुत सारे अभी कानून निकाले जा रहे हैं, योजना ही निकाले जा रही है, उस पर भी ध्यान देना कि योजना निकाले रहे, बस योजना पे काम भी किया जाए। देश में घोटाले हो रहे हैं। हाँ, वही देश पे घोटाले हो रहे हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए कि बस योजना स्टार्ट हो रहे, एक पे एक योजना आ रहे, एक पे एक योजना आ रहे, बस आ रहे हैं, बस उन पे ध्यान तो यानी योजनाएं बनती हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। हाँ, बनती है बस उन पे काम पे नहीं किया जाता है, तो वो पे ध्यान दे सारी चीजों पे। एजुकेशन को लेकर के क्या कहेंगे, अभी फिलहाल कैसी है और आगे क्या हो सकता है, क्या उम्मीद है? हाँ, अभी तो एजुकेशन इंदौर पर जहाँ तक देखा जा रहा है काफ़ी अच्छी है, बट और भी अगर अच्छा ध्यान दिया जाए, जैसे कि काफ़ी सरकारी स्कूल है वहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी है कि नहीं है, टीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं और वहाँ पर बोले जाते हैं कि फीस नहीं है, बट फीस ली जाती है, ये सारी चीज़ों को लेके कुछ। वुमेन सिक्योरिटी पर क्या कहेंगे? वुमेन सिक्योरिटी पे भी मतलब काफ़ी तो ठीक है, बट ऐसा कुछ कुछ अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आए थे जहाँ पर कि देखा गया था कि वुमेन पे ज्यादा तो होता नहीं है, तो रक्षा पे भी ध्यान दे। तो सरकारें अभी काम कर रही हैं या नहीं कर रही, पूरे देश का माहौल क्या कहता है? पूरे देश का माहौल यही कहता है कि ठीक है, अभी काम तो कर रही है, वैसे पूरी तो नहीं कह सकते कि हाँ काम कर रही है बोल के, क्योंकि अधिकतर ऐसा एरिया है जहाँ पर नहीं है, अभी तक भी मतलब किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा एरिया जहाँ पर पानी नहीं है, आपको कुआं नहीं है, उन लोगों को कहाँ कहाँ से पानी तक ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, ये सब नहीं मतलब रूरल एरिया में काम होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी की उम्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र में बड़ा फर्क है, किसको पसंद करते हैं आप? मोदी सरकार को। राहुल गांधी की अगर कोई खासियत पूछो तो क्या बताएंगे? नहीं, उनकी खासियत ऐसे तो कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। भरोसा है कि नहीं? हाँ, भरोसा तो है, भरोसा तो है, लेकिन पसंद कुछ और है। खैर, बहरहाल ये सब फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इंदौर में वोट करने आए थे, हमने आपको बताया इंदौर का मिजाज। बने रहिए हमारे साथ, उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।